कर लिया आप सभी ने? चलिए, हाँ गुड, देखते हैं, देखते जा रहा हूँ, समझ गया हूँ। गुड 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 गुड, बढ़िया। अब तुम्हें बताता हूँ, आप लोगों ने जो बनाया उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। आप लोग जो है वो एरोज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला नियम ये होता है कि जो ब्रांचेज होती हैं वो उतनी ही होनी चाहिए जिस पे आप जो है विषय पे बात करने जा रहे हैं। आपका जो अखबार था, ये अखबार में मान लीजिए आज कोई खबर आई थी, ये सिंपली उसके बारे में। आप लोगों के पास भी ऐसे न्यूज़ आती होगी, ठीक है, ऐसे ही आप अखबार पढ़ते होंगे, कोई भी जो है न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अब इसमें जो है वो ग्रामीण संकट के विषय में बात है। आपने पेज के बीचों बीच में टॉपिक क्या लिखा? रूरल क्राइसिस यानी ग्रामीण संकट। यानी कि जैसे ही आप इसको जब लिखेंगे तो आप एक सेकंड के लिए पॉज लेंगे और आप जो पूरा एक पिक्चर पहले से ही आप रीअरेंज कर सकते हैं। आप इस पर जंप करने के बजाय थोड़ी देर सोचेंगे कि इसका पूरा जो सेगमेंट है वो क्या है, हमारे रूरल डिस्ट्रेस है, जो हमारा ग्रामीण संकट है उसके बारे में बात हो रही है। ग्रामीण संकट का मतलब है जो ग्रामीण परिवार में, जो ग्रामीण परिवेश में जो सबसे बड़ा रोजगार होता है वो कौन देता है? एग्रीकल्चर दे रहा है। और इसके साथ साथ जो आर्टिसंस हैं, जो हस्तशिल्प है, इस तरह के लोग, ये सभी क्या है? संकट में। बात किस पे हो रही? संकट यानी क्राइसिस पे हो रही है। इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है उस पर बहुत हैप्पीनेस वाली बात नहीं आएगी। ये क्राइसिस के बारे में बात करनी, यानी अपना माइंडसेट आपने जो है रुक कर एक सेकंड के लिए फ्रेम कर लिया कि आप एक गांव में हैं और वहां पर आप इस क्राइसिस के आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में पढ़ने से पहले ही अगर मैं इस आर्टिकल को ना भी पढ़ूं तो ग्रामीण संकट के विषय में बात कर सकता हूं कि इसका मतलब खेती किसानी को लेकर बात हो रही है, और खेती किसानी को लेकर बात हो रही है तो इसका मतलब यहां पर वो पर्याप्त जो है इनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। खेती किसानी के पीछे जो जनरेशन का पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑप्टिमम काम नहीं कर रही है, दूसरा सिंचाई का संकट हो सकता है, तीसरा जो है उनकी आय के बारे में जो है वो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको जो है वो नहीं मिल रहा है, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, वो अपने सामान को सही तरीके से बेच नहीं सकते हैं, और जो इंटरवेंशन होना चाहिए था निवेश का यानी इन्वेस्टमेंट का वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक आपने क्या किया, एक पहले पूरी पिक्चर ड्रॉ कर ली, देन एंटर इनटू द टॉपिक। अब आपने टॉपिक में एंटर शुरू किया तो ग्रामीण संकट के विषय में बातचीत हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां जो नियम नंबर एक है वो ये होगा कि आप ब्रांचेस के ऊपर लिखेंगे और ब्रांचेस के ऊपर उतना ही लिखेंगे जितनी आप ब्रांच की लेंथ को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप तीर खींचकर कोने में लेकर जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यू आर अकॉर्डिंग विद योर न्यूरॉन्स। आप किसके साथ काम कर रहे हैं? अपने न्यूरॉन्स के साथ काम कर रहे हैं। कह रहा ग्रामीण देश के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से व्याप्त चिंता का विषय बन चुकी है। तो ठीक है, क्या बता रहा है कि यहां पर जो है निराशा है। ग्रामीण क्षेत्र में आय पर बढ़ रहे दबाव की यह पहचान है कि यहाँ मेहनताने से अत्यंत कम जो है दर जो है यहाँ पर मिल रही है, यानी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है मजदूरी। तो अगर हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, यानी प्रेजेंट सिनेरियो, पहला जो आपका सेगमेंट है वो क्या बता रहा है? वर्तमान स्थिति। अब देखिए, इतनी पूरी लाइन को मैंने सिर्फ एक बात में लिखा, क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो या स्थिति। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर पहली बात क्या है? निराशा है। क्या है ये? इट इज अ गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन? ठीक है, एक बहुत ज्यादा सैरो सिचुएशन है, निराशाजनक। ये पूरी लाइन लिखी है। अब मैंने पूरी लाइन को सिंपली एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, किसमें? निराशा। ठीक है, क्या कारण है इस निराशा का? बोल रहा है कि यहां पर जो मेहनताना है, यानी जो उनकी मजदूरी है, जो भी वर्ड यूज करना चाहो, जो मजदूरी है वो क्या है? कम है। मैंने इसको केवल एक डाउनग्रेडेड एरो बना दिया, वो क्या है? मेहनत जो है मजदूरी कम मिल रही है। ठीक है, यहां पर जो देखने को मिला, इस वर्ष जनवरी तक औसत ग्रामीण आय वृद्धि में 3% की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो यहां पर जो है सवाल है कि कितनी, तो यहां पर कितना दे दिया? 3%। ठीक है, 3% इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। कह रहा है कि वृद्धि 2014 के बाद से न्यूनतम है। ये डाउनफॉल जो है वो कब शुरू हुआ? मैंने लिखा डाउनफॉल कब शुरू हुआ, तो यहां से बात हुआ कि 2014 के बाद से ही ये इट इज स्टार्टेड डाउनफॉलिंग। ये मैंने दिखाना शुरू कर दिया, 14 के बाद जो है यहां पर डाउनफॉलिंग आनी शुरू हो गई है। हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनताने में एक अरसे से ठहराव देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014 के मध्य से केंद्र में जो है फलाना गवर्नमेंट आई है। ठीक है, यहां पर इससे आपको मतलब नहीं कौन सी राजनीतिक पार्टी है, सवाल है कि हमारे लिए मुद्दा क्या है। काफी धीमी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, और इसके बाद से जो है 2007 से 2013 के बीच कह रहा है कि ग्रामीण आय में जो है वो बहुत जो है काफी ज्यादा वृद्धि हुई, यानी इसी में हम बात करेंगे 2007 से 2013 के बीच। यहां पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि दहाई अंकों तक पहुंच गई थी, यानी डबल डिजिट पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद के सिनेरियो में क्या हुआ था, देन ये जो है वो डाउनफॉल करना शुरू कर दिया। मेरी पूरी बात यहां तय हो गई। ठीक है, यहां पर मैंने पूरा ये पैराग्राफ टच कर लिया। अब सवाल है कि अगले पैराग्राफ में कह रहा है आखिर ग्रामीण क्षेत्र की आय में ठहराव क्यों आया। ठीक है, तो अब मैंने दूसरा रीजन क्या बताया था, रीजन क्या हो सकते हैं इस पूरे सिचुएशन के, इस निराशा के रीजन क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या है। 4 सालों में 2 बार सूखा, ठीक है, यानी ड्रॉट कंडीशन,
दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन. आगे लिखता है कि रिजर्व बैंक के आंकड़े ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो इनको आपको स्किप करते जाना है. ठीक है, आपको समझ में आया कि ठहराव क्यों है. अब आप किस पे बात कर रहे हैं, उस कारण को इस पूरे पत्र में अब मैं आगे भी पढ़ता जा रहा हूं कि भैया ये जो है पूरी बात नहीं कह रहा है. वृद्धि दर में पहले से शुरू हो गई थी, रिजर्व बैंक के आंकड़े जो है अभी प्रस्तुत किए गए, लेकिन इस आंकड़ों के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखने वाला अपनी मानसिकता के हिसाब से इसको लिखता है. आपको केवल अपने काम की बात ढूंढनी है. मैं इसको क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं अब किस चीज पर काम कर रहा हूं, मुझे वो कारण ढूंढने हैं कि आखिर ग्रामीण संकट क्यों रहा. तो मैं अखबार में अब क्या करूंगा, उन कारणों पे अपनी नजर डालना शुरू करूंगा. फिर कहता है कि मुद्रा स्फीति में लगातार कमी का संबंध काफी हद तक ग्रामीण आय में ठहराव में है. यानी ये कह रहा है कि जो आरबीआई ने आंकड़े दिए थे, आरबीआई कह रहा है कि देश में इन्फ्लेशन क्या हुआ है, कम हुआ है. ठीक है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, और इन्फ्लेशन कम होने का जो ये कारण बता रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रांचेस को आगे लेकर जा रहा हूं. इन्फ्लेशन का जो ये रीजन बता रहा है, वो ये रीजन ये बता रहा है कि ग्रामीण आय यानी कि जो रूरल इनकम है वो क्या हुई है, कम हुई है. अब मेरे दिमाग में दो सवाल आएगा, अभी तत्काल ये काम पूरा नहीं हुआ है. मुझे अपने टीचर से बात करनी कि सर इन्फ्लेशन को तो हम लोग अलग, महंगाई को अलग तरीके से देखते हैं, और ये कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन कम हुआ है तो क्या हुआ है, उसकी इनकम भी कम हुई है. तो इनकम और इन्फ्लेशन में क्या संबंध होता है. मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा, मुझे अपने टीचर से, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, टीचर से पूछना है. 2011 प्री का क्वेश्चन है ये. निम्नलिखित में से इन्फ्लेशन में से हम किसके साथ संबंध स्थापित करते हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन को अक्सर जो है किसके साथ जोड़ा जाता है, आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है. ये 2011 आईएएस प्री का क्वेश्चन है. इन अखबारों से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन तब निकालोगे जब आपके पास क्वेश्चन पूछने की सही प्रक्रिया होगी. मैं आगे बढ़ गया. ठीक है, आगे कहता है कि 2000 पहले से खाद्य उत्पादों की महंगाई ने कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पन्न वृद्धि उत्पन्न की, उसके चलते लोगों की आय में इजाफा हुआ. ठीक है, तो ये जो है दोनों आंकड़ों को कंपैरिजन कर रहा है. यानी यहां पर वही सी बात कर रहा है कि इससे पहले की सिचुएशन क्या थी, कि इन्फ्लेशन बढ़ी थी और लोगों की इनकम बढ़ी थी. ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े थे और उन पर निर्भर थे. ठीक है, तो इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर को हेल्प मिली थी. इसके बाद कह रहा है कि 2014 के बाद से निर्यात और आयात मूल्य का अनुपात कृषि क्षेत्र के खिलाफ हो गया. अगला सेगमेंट रीजन क्या बता रहा है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, आयात और निर्यात, वो क्या हुआ, वो विरोध में चला गया, कृषि क्षेत्र के विरोध में. किसके क्षेत्र के, मैंने कृषि को बना लिया, कृषि क्षेत्र के विरोध में चला गया. ठीक है, और गैर कृषि वस्तुएं कृषि उपज की वस्तुओं की तुलना में लगातार महंगी होती चली गई. यानी क्या हुआ, एक शिफ्टिंग हुई किसका, ये जो आयात निर्यात हो रहा था वो कृषि के सामानों की बजाय किस सामान की तरफ ज्यादा जा रहा है, गैर कृषि की तरफ. आप मोबाइल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो कृषि यंत्रों की बजाय, गैर कृषि की तरफ हो गया. इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कमजोर होने लगी. अगला कारण क्या रहा, इसकी वजह से क्या आया, जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई, क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई. यानी वो मांग, अब दूसरा है कि पीपीपी अगर आपको समझ में आ रहा है, परचेसिंग पावर पैरिटी, उनकी क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, अदरवाइज आप यहां पर क्या करोगे, मुझे अपने टीचर से पूछना है कि क्रय शक्ति क्षमता किस प्रकार जो है वो मांग और आपूर्ति साइकिल को प्रभावित करती है. ठीक है, ये आप क्या करोगे, तत्काल यहां पर राइट डाउन करोगे. कह रहा और भी अन्य कारण है. अगले कारण क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैर कृषि ग्रामीण उत्पादन में मजबूती. ठीक है, यानी कि जो है वो आय के अन्य साधन क्या होने लगे, अन्य साधन उपलब्ध हो गए. अगला कारण ये बता रहा है, ये इसमें कारण दे रहा है, कह रहा है कि गैर कृषि भी जो है वो इनकम मिलने लगी है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे, जैसे कि हमारे देश में विनिर्माण क्षेत्र श्रम की ढेर सारी मांग की खपत करता है. कौन कौन से साधन, कह रहा है कि जो विनिर्माण है लोग क्या हो रहे हैं, वो कृषि से निकलकर किधर किधर की तरफ जा रहे हैं, विनिर्माण की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, विनिर्माण में जाने से क्या होगा, मान लो मेरे पास जगह है तो विनिर्माण में जाने की वजह से इसके क्या प्रभाव होंगे, यहां पर लिख दो, इसके क्या प्रभाव होंगे. या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर कारणों में विनिर्माण के प्रभाव, तो क्या प्रभाव होंगे, वो कह रहा है कि यहां पर जो है वो इनकम जो है, यानी कि वहां पर जो मेहनताना है वो क्या है, वो ज्यादा है विनिर्माण का, और कृषि में क्या है, कृषि में कम है. तो लोग किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कृषि से विनिर्माण की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में जो कुशल रोजगार है, कुशल जो श्रम है, वो डाउन होता चला जा रहा है. ठीक है,
फिर मनरेगा के बारे में बात कर रहा है कि मनरेगा जैसी रोजगार योजना 2000 के दशक के मध्य से आरक्षित ग्रामीण तक प्रतीत रही है और आंकड़ों से पता चला इससे ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद मिली है। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, अभी पूरी बात को पढ़ोगे, हाल के वर्षों में मनरेगा के तहत प्रति परिवार काम के दिनों की लगातार कम हुई। कारणों के अगले हिस्से में क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो मनरेगा था उसने जो है वो ग्रामीण आय को बढ़ाया था, ग्रामीण आय बढ़ाया था, परंतु हाल के दिनों में क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में उस तरह आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में जिसका प्रभाव क्या हो रहा है, जिसके कारण कृषि आय कम हुई है, कृषि आय कम हो गई है, ठीक है, क्या हुआ, डाउन हो गई ग्रामीण आय, ठीक है। सुझाव क्या दे रहा है, तत्काल सुझाव यह दे रहा है कि सरकार को जो है वो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, सजेशन जो है इसके वो ये कह रहा है, और साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी क्या होनी चाहिए, तत्काल मिलनी चाहिए, काम के दिन क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, प्लस ये पूरा एडिटोरियल रहा, ठीक, पूरे एडिटोरियल को मैं क्या हुआ एक आधे पेज में निचोड़ कर लेकर आया। अब अगर मुझसे कोई कहे कि इसको रिवाइड करो, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग को लगाकर इस समय मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था इसके साथ, ये आपने भी आपने इसके साथ साथ किया होगा, पढ़ता चला गया और कम से कम ये जो पूरा एडिटोरियल था दो पेज में इसको मैंने क्या किया इतने छोटे से पॉइंट्स में अरेंज कर दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर जब मैंने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, निश्चित ये थी कि आज जो मैं टॉपिक मेरा था वो ग्रामीण संकट के बारे में था। भारत में इसकी स्थिति बहुत निराशाजनक है, निराशाजनक इसलिए क्योंकि मजदूरी की दर जो है वो गिरती चली जा रही है, कितनी गिरती चली जा रही है, 3% गिरती चली जा रही है, सन 2012 के बाद की स्थिति है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, क्यों देखने को मिली है मुझे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ये भी साथ साथ कह रहा है कि 2007 से 2013 के बीच में जो है इसकी दर में लगभग जो है दोहरी वृद्धि हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो एडिटोरियल है वो ये कह रहा है कि इसके मेन रीजन, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण कह रहा है कि देश में लगातार जो है दो बार सूखा पड़ा और सूखे ड्रॉट की वजह से, चूंकि भारतीय कृषि, अब यहां पर तुम क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ सकते हो कि जो सूखा है वो हमारे देश में इतना प्रभावशाली एक हो गया कि सूखा आपने बता दिया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में सूखे की स्थिति है क्या, यानी भारत में क्या कितनी प्रतिशत भूमि ऐसी है, कृषि है, जो अभी भी सिंचित, यानी कि जिसको जो हम लोग कहते हैं नहरों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तभी तो दिक्कत है। आप पूरे देश में नहरों का जाल बिछा दीजिए, अगर आपके यहाँ सूखा पड़ जाए तो कौन सी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, नहीं होगी ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 45% के आसपास की कृषि अभी भी किस पे डिपेंड है, मानसून। दूसरा यहीं पे क्वेश्चन पड़ता है, ये बार बार सूखा पड़ क्यों रहा है, क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन गैदर करना और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पॉपअप करना, हमारे देश में सूखा पड़ता क्यों, और इसके पीछे जाओगे तो भूगोल आ जाएगा और यह आएगा कि बार बार अल निनो का खतरा भारत के ऊपर विद्यमान है। अल निनो क्या होता है, ये बात की बात है, ये अपने टीचर से पूछोगे कि सर सूखा बार बार भारत में क्यों पढ़ रहा है, राइट और रॉन्ग। अब ये मत कहना कि अल निनो जो है एग्जाम में नहीं पूछा गया, अल निनो, ला निना, ठीक है, ये सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन को पॉपअप करना सीखो। इसके बाद अगला जो है जहां पर आप बात करोगे, सूखा पड़ गया भाई ये कारण, दूसरा बताया कि आरबीआई ने बताया है कि जो महंगाई मुद्रा स्फीति को जो है कम करने की जो बात हुई है इसकी वजह से ये हो रहा है कि इसका मेन कारण है कि ग्रामीण इनकम कम है। तो इन्फ्लेशन इनकम से कैसे रिलेटेड है, यानी आर्थिक समृद्धि से कैसे रिलेटेड है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो अपने टीचर से आप इसके विषय में बात करेंगे, एटलीस्ट आप अपने टीचर से पूछने लायक तो हो जाएंगे कि आपको पूछना क्या है। इसके बाद आप कहते हैं, तीसरा ये कहता है कि आयात निर्यात के बीच का जो संतुलन है, ये मैंने दोनों डायरेक्शन से बताया कि संतुलन स्थापित करने की बात हो रही है, ये संतुलन जो है वो पर्याप्त नहीं है, मिलाते जाना कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने इसको खोला, इसको पढ़ा, यहां पर देख लिया। ये कह रहा है कि जो है वो कृषि क्षेत्र के विषय में इसमें काफी विरोध है, ठीक है, और ये जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों के लिए ज्यादा जो है उसका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसका ओरिएंटेशन, इसका झुकाव जो है वो गैर कृषि क्षेत्रों के लिए है, कृषि क्षेत्रों के लिए आयात निर्यात पर्याप्त नहीं है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो गैर कृषि क्षेत्रों की तरफ ये झुकाव गया है, कृषि क्षेत्र में जो क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर पैरिटी है वो क्या हो गई है, घट गई है। अब सवाल यह है कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी घटते ही आपकी जो मांग करने की क्षमता हो जाती है वो क्या हो जाती है, निगेटिवली इफेक्टेड, यानी कि ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये भी बताएंगे कि आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से आय के अन्य साधन भी जो है वो पैरेलली उपलब्ध होने लगे हैं और कृषि से अधिक आय उसमें मिलने लगी है, उदाहरण स्वरूप विनिर्माण, विनिर्माण जहां मजदूरों की बहुत अधिक आवश्यकता
होती है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर उन मजदूरों को अधिक मेहनताना मिलता है कृषि क्षेत्र की अपेक्षा, तो वो माइग्रेट होकर कृषि क्षेत्र किधर की तरफ जम करेंगे, विनिर्माण की तरफ जम करेंगे। ठीक है, ये हमें जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र की एक बहुत प्रमुख योजना मनरेगा, जो कि एक जो है रोजगार गारंटी योजना है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो उतना अच्छा अब नहीं रह गया है। इस दौरान ये काफी अच्छा था, इसी वजह से इनको मजदूरी पर्याप्त मिलने शुरू हो गए। सुझाव के तौर पर ये कहा गया है कि मनरेगा में तत्काल मजदूरी दी जाए और काम के घंटों को क्या किया जाए, काम के दिनों को बढ़ाया जाए। इतना ही एडिटोरियल है ना भाई, इतना ही है ना, तो आप इसको रीड राइट और रिसाइट तीनों एक साथ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने क्या किया, अगर आप पेपर को उस तरह पढ़ते, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आउटपुट नहीं आता। आप एक रीडिंग मानने से पहले मैंने क्या बताया, आप शांत से होकर उस सिनेरियो को एनालाइज करोगे कि मेरे दिमाग में एक ग्रामीण संकट कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको कैसे, मैं गांव में हूं, मेरे सामने कोई डिस्ट्रेस है, तो ये कैसे है? जो कभी गांव नहीं गया, एक दर्शन कराओ, भारत कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है, घूम फिर आओ, थोड़ा सा घूमना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप उस चीज को एक पहले अपना एक क्वेश्चनायर तय करोगे, संकट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और जो वो तुमसे कह रहा है, अब आप देखिए, एक तरीका ये हो सकता था कि आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में क्या कर सकते थे, पूरे पूरे पॉइंट्स लिखते। मुझे उसको एडिटोरियल को ब्रेक करने में कितना टाइम लगा, 7 to 8 minutes हार्डली, मेरे ख्याल से 8 मिनट यही लगा, दो एडिटोरियल आते हैं। और आप कहते हो कि मुझे सर पेपर मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाता है पढ़ने में, खुद सोच लो, तुम्हारे सामने करके दिखाया है तुम्हारे सामने, और जितने का हो एडिटोरियल उतने में उसको ब्रेक करता चलो, हार्डली 10 मिनट लगेगा, हार्डली 10 मिनट। और न सिर्फ मैंने एडिटोरियल ब्रेक किया, मैं अपने टीचर के लिए क्वेश्चन भी लेकर चला आया कि सर इन्फ्लेशन, ये 2011 का क्वेश्चन है, अलनीनो तो खैर ज्योग्राफी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, और इसमें मैं जितने चाहे क्वेश्चन ला सकता हूं, अलनीनो के कारण क्या है, अलनीनो का मैकेनिज्म क्या है, अलनीनो की अपोजिट साइकिल क्या होती है, लानीना, ठीक है, अलनीनो भारतीय को वॉकर साइकिल क्या होती है, अलनीनो कैसे प्रभावित कर सकता है, अलनीनो का पर्यावरण से क्या संबंध है, क्या जलवायु परिवर्तन अलनीनो को प्रभावित कर सकता है, अलनीनो को मेजरमेंट करने के सिस्टम क्या है, इंडियन ओशियन डायपोल किसे कहते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और क्या कारण है कि भारतीय कृषि मानसून के ऊपर इतनी डिपेंडेंट है। आप इसमें राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को लेकर आ सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन आस्क। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, डिमांड साइकिल, डिमांड और सप्लाई साइकिल क्या होती है, डिमांड सप्लाई साइकिल अगर मैच ना करे तो उसमें क्या अंतर आ जाते हैं। तो आप न सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, अगले क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। यही यूपीएससी चाहता है कि जब ये शब्द आपके साथ खेले गए क्वेश्चन, उसमें क्या इसमें लाइन लिखा कि इन्फ्लेशन ना होने, कंट्रोल होने की वजह से उनकी जो इनकम थी वो डाउन हो गई। आपको तुरंत ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इनकम। अगर आप इसको रट के आगे निकल गए मामला साफ हो जाएगा, लेकिन आपको अपने टीचर से बात करना है, सर इन दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, अभी इस क्वेश्चन पे मैं 2 घंटे की क्लास ले सकता हूं कि भारत सरकार की जितनी भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, परसों नरसों प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि हमारा दो ही उद्देश्य है, एक दलित विकास और दूसरा ग्रामीण विकास, आया था स्टेटमेंट, और उसका सीधा सा मतलब कुछ और नहीं है। मैं पूरी कहानी को इस पर लाकर पटक सकता हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या रीजन है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए इतनी योजनाएं चला रही है? लास्ट ईयर जो ग्रामीण विकास का बजट था वो अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है। आज तक कभी ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए इतना कभी बजट एलोकेट नहीं किया गया। क्या ये सरकार की श्रद्धा है या इस समय भारत की मजबूरी है? और वो मजबूरी कहां है, मैं इसको पूरी क्लास में एनालाइज कर सकता हूं, इस पीपीपी को, परचेसिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन, अब आपका जो है एक एडिटोरियल रेडी है। आप इस तरह एडिटोरियल क्रैक करना शुरू करो। अब आपने देखा कि इसको क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट अपने दिमाग को लगानी पड़ी, कंट्रोल करके रखना पड़ा, अरे यार ये इस लाइन का जो है वो क्रैक्स क्या होगा। पूरी लाइन को मैंने क्या किया था, एक छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट करना शुरू किया था। तो पहले इसको हम लोग बोलते हैं कुंजी वाक्य, इसी को बोलते हैं की वर्ड। की वर्ड वो होता है जो पूरी सेंटेंस, पूरे वाक्य का अर्थ प्रस्तुत कर दे। ग्रामीण संकट क्या है स्थिति, उसमें लिखा आता है आज की स्थिति बहुत निराशाजनक है, मैंने कहा निराशा, ठीक है निराशाजनक, या मुझे ये भी नहीं लिखना है, नहीं वो फेस इमोजी आता है उसके तो मास्टर हो ना तुम लोग, बना दो, क्या जरूरत है, तुम क्यों निराशा लिख रहे हो। मैंने उसको हटाया और एक जो है वो एक सौरो फेस होता नहीं, उसमें बनाते हैं, तुम लोग ज्यादा अच्छा बना लोगे, हाँ स्माइली का उल्टा, स्माइली बनाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सौरो फेस बना दिया, निराशाजनक है ना निराशा।
स्थिति गिरती चली जा रही है, ये क्या बता रहा है zigzag, ये लगातार जो है वो क्या हो रही है, गिर रही है स्थिति। डाउनग्रेडेड का मतलब हालात ठीक नहीं है। तो आप क्या करें, आपको वो चीज अगर मैं पढ़कर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता हूं बिना उसको देखे, आपके सामने जो है उसको याद करके दिखा सकता हूं, ये मेरा आउटकम है ना। आप कितने सुंदर नोट्स बनाते हो, 6-7 कलर का जो है पेन लगा देते हो और आपको आता कुछ नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है टाइम, टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आज जो मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आप इसको कंटिन्यू करके रखते हो तो वाकई में 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर आपका नहीं है, इससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर आप उस पूरे न्यूज़पेपर को तोड़ मोड़ के फेंक दोगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आपकी आदत का हिस्सा हो जाए, जब ये तुम्हारी कॉपियों तुम्हारे पेजेस से निकलकर तुम्हारे दिमाग में एंटर हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी क्लास तुम्हारी है, बट अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। आज इस क्लास से जाने के बाद एक जानवर का नाम लिया जाता है कि उसकी पूंछ को लंबे समय तक जो है नली में रखो, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी, इट्स अप टू यू। और आज से सीख कर अपने आप को चेंज करने के लिए यहां आए हो तो इट्स अप टू यू, रास्ते तुम्हारे हैं, जो रास्ता चुनोगे अंतिम समय में परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की मैंने तुम्हें बताया था जमीन पर परछाइयां नहीं बनती, यहां साया सबसे पहले साथ छोड़ देता है। दुनिया में तुमने सुना होगा कि मुसीबत के समय साया भी साथ छोड़ देता है, वो यही मुसीबत है। अंतिम समय एक ऐसा समय आएगा जहां पर ना तुम्हारा समाज, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे माता पिता, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं।